उत्तर प्रदेश के बांदा में उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ एवं जिला प्रशासन बांदा के संयुक्त तत्वावधान में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में आयोजित आल्हा महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठ आल्हा गायकों ने अपना आल्हा गायन प्रस्तुत कर बुंदेलखंड की अमर वीरता के प्रतीक आल्हा और उद्धल के युद्ध का वर्णन किया। आपको बता दें कि सावन के पवित्र माह में बुंदेलखंड में आल्हा गायन का विशेष आयोजन किया जाता है। बुंदेलखंड के जन जन में गाई जाने वाली संगीतमय आल्हा गायन का अपना एक अलग महत्व है। वहीं बुंदेलखंड की जनता इस वीर गाथा को सुनने के लिए सदैव लालायित रहती है। आज उत्तर प्रदेश के बांदा में उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ एवं जिला प्रशासन बांदा के संयुक्त तत्वावधान में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में आयोजित किया गया। सर जी, बांदा में ये संस्कृत विभाग द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, ये किस तरह कार्यक्रम था? उत्तर प्रदेश लोक जनजाति संस्कृति संस्थान में संस्कृति विभाग भारत सरकार उत्तर प्रदेश की एक संस्था है, उसके माध्यम से हम जगह जगहों पर जो है जो हमारी अप्रचलित कलाएँ हैं, लोक विधाएँ हैं, जिसको हम कहते हैं कि विलुप्त होने की कगार पे है, उन कलाकारों को लेकर के हम काम करते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि बुंदेलखंड आधा की धरती है, ये वीरों की धरती है जो है, और आधा के बहुत से कलाकार यहाँ पे हैं, दूर दराज के गाँव तक, तो उनको एक मंच मिले, हमारी नई पीढ़ी जो है उसको ये पता लगे कि हमारी ये धरती पे किस तरह की विधाएँ हैं, किस तरह की कलाएँ हैं, इसलिए है यहाँ पे आधा महोत्सव का आयोजन किया। अगर बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में लगभग एक दशक पहले घर घर में आल्हा गायन होता था, इसके श्रोता बहुत थे, लोग इसके बारे में जानते थे, और इस समय पूरी तरीके से विलुप्त होता जा रहा है। नहीं, विलुप्त नहीं हो रहा है, अब उसका प्रसार भी हो रहा है। पहले कुछ कलाकार रहे होंगे, अब भी हो रहा है। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जितने भी कलाकार हैं दूर दराज के हैं, हमने हमीरपुर से यहाँ पे कलाकारों को बुलाया, रायबरेली से बुलाया, महुआ से बुलाया, कई जगह पे हम इन लोगों को बार बार बुलाते रहते हैं, और ये जो है परंपरा जो है हमारी जो है जो विरासत है कि आगे बढ़े, यही प्रयास है, और हम यही चाहते हैं कि ये कलाकार जो है इस प्रकाश को लेकर के आगे बढ़ें, और हमारी जो ये विरासत है उसको जो है आगे और मजबूत हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।